अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस टाइम हम लोग हैं टेस्ट ऑफ लाहौर और ये है कैनेडियन टेस्ट ऑफ लाहौर। चले आए, चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। तो आज हमारा यहाँ पे आने का मकसद है बूफे। आज हम लोग बूफे के लिए यहाँ पे आए हैं और अभी हम लोग वेटिंग एरिया में खड़े हैं, वेट कर रहे हैं थोड़ी देर जब तक वो आएंगे और फिर वो हमें बताएंगे कि हमारे लिए स्पेस है या नहीं है, तो फिर हम जाएंगे। चलें, उतनी देर तक मैं आपको इस रेस्टोरेंट की डेकोरेशन वगैरह शो करवा देती हूँ जो कि बिल्कुल पंजाबी टच दिंदी है। चलें जी, देख लें, मैं आपको दिखा देती हूँ। बड़ी खूबसूरत सी पोर्ट्रेट यहाँ पर लगी हुई हैं और ये पूरा इन्होंने गांव वाला माहौल बनाने की कोशिश की है ताकि लोगों को अपने पाकिस्तान से दूर भी पाकिस्तान की फील आती रहे। पाकिस्तान तो खैर पाकिस्तान है। और ये देखें, काफ़ी ज़्यादा लैम्प शैम्प जो हैं। और अब हम लोग आ गए हैं बूफे की तरफ। और ये बूफे कुछ आप ये भी बोल सकते हैं कि ये ब्रेकफास्ट बूफे है। चने वीडियो बना ले हैं, आलू की भुजिया है और चने शोरबे वाले भी बना लेती हूँ, ज़्यादा बीफ ग्रेवी है, साथ जो है हलवा और हलवा पूरी। तो चले आए, खाते हैं। तो अभी हम लोग खा रहे हैं और टेस्ट काफ़ी अच्छा है, अचार भी है और पाए भी थे और वो भी मैं थोड़े से डाल के लाई हूँ। चले मैं खाती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। और उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए थे, काफ़ी थके हुए थे। और अमेज़ॉन से मैंने एक रग किया हुआ था ऑर्डर, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। कलर तो काफ़ी अच्छा मैंने सेलेक्ट किया था और देखते हैं कि अभी आया क्या है। तो उसके बाद इसको जो है उधर बिछाना भी है और उसके बाद देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। हाँ, ये है इसका कारपेट का रैपर और ये है कारपेट। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, मुझे तो वाकई बड़ा अच्छा लगा था, तो इसी वजह से मैंने ये ऑर्डर किया था। और सेम वही है, मुझे थोड़ा डाउट था कि चेंज ना हो, क्योंकि रिव्यूज़ में था, मोस्टली लोग बता रहे थे कि थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन थैंक्स गॉड अच्छा लगा। और अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को साथ साथ मिलते रहें। तो अभी इसके ऊपर कार्ड है साथ दिया उन्होंने, इसके ऊपर इसके इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसको वॉश कैसे करना है और इसको क्लीन वगैरह कैसे करना है। तो वो मैं इंस्ट्रक्शंस वगैरह मैं वो देख रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से आप इसे वॉश कर सकते हैं। तो जी जनाब, मैं इसको यहाँ पे ले आई हूँ और इसको मैंने बिछा दिया है यहाँ पे, यहीं पे से बिछाना था। ये हमारी वर्किंग प्लेस है, यहाँ पे अक्सर मेरे हस्बैंड बैठ के काम करते हैं और मैं भी वीडियोज़ वगैरह एडिट करने के लिए इधर ही आ जाती हूँ। बहुत छोटी सी कोजी सी प्लेस है और हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पे आके। और इस रूम को अभी डेकोरेट करना है मैंने, और कुछ सामान है यहाँ पे पड़ा हुआ जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बर्थडे वगैरह पे हम लोगों ने यहीं पे सारा जो है डेकोरेट वगैरह इसे किया था। तो अभी हमें वर्किंग प्लेस चाहिए थी ताकि बंदा थोड़ा बेडरूम से बाहर निकल सके। और अभी ये बलून्स वगैरह हैं कि जब बर्थडे थी और वैलेंटाइंस थे, तो अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि इनको किधर किया जाए, तो मैंने अभी इनको इस रूम में एक साइड पे कॉर्नर में कर दूंगी और उसके बाद में भी मैं इसको इधर रूम में कहीं एडजस्ट कर दूँ। और उसके अलावा कुछ पेंटिंग्स वगैरह हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी और कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पेंट की हुई हैं, तो रूम को डेकोरेट वगैरह करने के लिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जी, ये है प्यारा सा घर जिसे मैंने, आप लोगों की बहन ने खुद बड़े ही मेहनत से और बड़े प्यार से इसे मैंने पेंट किया, मुझे बहुत पसंद है। ये वुडन था, बिल्कुल कोई कलर नहीं था और इसे मैंने खुद पेंट किया है सारा।
और मैंने इसे बाद में खुद पेंट किया, ये मूव्स एंड ये पांच वगैरह सभी मैंने खुद ही इसके ऊपर एडजस्ट किए हैं। और अगर आप इसकी फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं नीचे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे, मेरा चैनल है पेंटिंग का, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर वीडियोस वगैरह आपको अच्छी लगें और मेरी पेंटिंग अच्छी लगें तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये था घर, और ये भी मैंने इसी रूम में रखने के लिए इसे पेंट वगैरह किया है। और उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें हैं, जैसा कि ये प्रिंगल के बॉक्सेस हैं, ये इसी तरह से घर आते रहते हैं, तो इसको मैंने इसी तरह से पेंट किया। और पेंट करके इसके अंदर आप कुछ भी डाल दें, अपने ड्राई फ्रूट्स डाल दें, बिस्किट्स डाल दें, जो आपको बेहतर लगे आप वो डाल सकते हैं। तो इस तरह के काम मैं करती रहती हूँ। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे तो। जाते जाते एक काम करते जाइएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, और ये वाला बॉक्स भी देख लें, ये भी मैंने इस पर खुद ही पेंट वगैरह किया है। और चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो और अल्लाह आपकी हिफाजत करे। इसी के साथ अल्लाह।